Hello students, assalamu alaikum. I am Amfreed from Government Boys Primary School Tangdar. We are reading English 7th class. Today it will be the last lesson of the lesson Macbeth. It is page number 32. From here. Finally, he is granted a vision of a line of kings, and the last of them wears Banquo's face. आखिरकार राजाओं के सिलसिला नसब की एक झलक दिखाई देती है और जिसमें सबसे आखिर बैंको का चेहरा होता है. मैकबेथ जॉइंस मेलकॉम इन इंग्लैंड वेयर द प्रिंस इज रेजिंग एन आर्मी टू इन्वेड स्कॉटलैंड. मैकडफ इंग्लैंड में मेलकॉम से जा मिला था शहजादा स्कॉटलैंड पर हमला करने के लिए एक फौज तैयार कर रहा होता है. Macbeth orders the murder of Lady Macduff and all her children. Macbeth Lady Macduff और उसके सभी बच्चों को कत्ल करने का हुक्म देता है. Last para. Lady Macbeth's mind gives way. She sleepwalks and speaks of unnatural deeds. लेडी मैकबेथ का दिमाग काम करना बंद कर देता है. वो नींद में चलने लगती है. और गैर फितरी वाकों की बातें करती है. मैकडफ विद द इन्वेडिंग आर्मी अप्रोचिंग मैकबेथ Fortifies Dunsin's Castle near Birnam Woods. Macbeth हमलावर फौज को नजदीक आते हुए देखकर बिरनाम जंगल के नज़दीक वाले डेंसेनस किले की किलाबंदी कर लेता है. इट इज देयर दैट लेडी मैकबेथ डाइज विद द सोल्जर्स ऑफ मेलकॉम एंड मैकडफ यूज branch of the trees of Birnam Wood as camouflage for their assault on the castle. वहीं लेडी मैकबेथ की मौत हो जाती है जबकि मेलकॉम और मैकडफ के फौजी बिरनाम जंगल के दरख्तों की टहनियों का इस्तेमाल किले पर अपने हमले के लिए खुद को बचाने के लिए करते हैं. मैकबेथ फोर्सेस आर डिफीटेड बट ही रिमेम्बरिंग द विच वर्ड्स बिलीव्स हिमसेल्फ इन वल्नरेबल ही इज किल्ड बाई मैकडफ द अपोनेंट who was not a woman born but was from his mother's womb. Untimely brought out Malcolm succeeds to the throne. Macbeth की फौजी की हार होती है लेकिन वो जदगरनियों के अल्फाज पर यकीन करते हुए खुद को कभी न हराया जा सकने वाला नाकाबिल तस्खीर मानता है. उसे मैकडफ के हाथों मार दिया जाता है
ऐसा दुश्मन जिसका जन्म किसी औरत से नहीं हुआ था बल्कि जिसे बेवक्त ही उसकी माँ के पेट से निकाला गया था, मेलकम तख्त का वारिस बन जाता है। इस तरह हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। शुक्रिया। वस्सलाम।